दोस्तों आज के इसमें जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इन्फो लिंक, आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे गूगल एडसेंस पे आप लोग अपना वेबसाइट वगैरह अप्रूवल करा के अर्निंग करते हैं, उस पर एड्स वगैरह आता है, सेम उसी तरीके से आप लोग का इन्फो लिंक होता है, उस पर भी अपनी वेबसाइट आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं, रिव्यू भेजते हैं, तो वो भी जब इन्फो लिंक की तरफ से मोनेटाइज कर दिया जाता है, रिव्यू मतलब आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है जो भी अपना रिव्यू भेजते हैं, तो आपकी वेबसाइट पर आपका एड्स वगैरह इन्फो लिंक का शो होता है, तो उसकी भी अर्निंग होती है, जैसे गूगल एडसेंस की अर्निंग होती है वैसे ही इन्फो लिंक की होती है, और गूगल एडसेंस की जैसे स्टार्टिंग में अर्निंग कम होती है बाद में ज़्यादा होती है, वैसे सेम तरीका होता है इन्फो लिंक का। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा इसमें, आज हम मैनुअली बताने वाला हूं, उसमें दो तरीका होता है कि आप लोगों को कैसे मतलब आप लोगों को रिव्यू भेजना, एक तो अपना प्लगइन वगैरह यूज करके अगर ब्लॉगर के वेबसाइट पर आप भेजना चाहते हैं रिव्यू, तो उसमें वीडियो वगैरह भी आप लगा मतलब ऐड करके आप अप्लाई कर सकते हैं, एक होता है मैनुअली, हम मैनुअली तरीका बताएंगे, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे, एक भी परसेंट कहीं पे भी इस वीडियो स्किप करेंगे आपका एक तरह से कहें तो आप अप्रूवल में नहीं भेज पाएंगे, तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों का थीम हम कहीं डिस्ट्रॉय ना हो, तो बहुत लोगों का थीम डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि वो लोग वीडियो स्किप कर करके भगा भगा के देखते हैं, उन लोगों को पता नहीं चलता है। तो चलिए आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं और बताते हैं कैसे आप लोगों को रिव्यू भेजना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इतिया, तो स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं सारी जानकारी आप लोगों को। देखिए आप लोगों को इन्फो लिंक पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, अपनी वेबसाइट को अप्रूवल में भेजने के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए डालने के लिए आप लोगों को चलिए बताते हैं कैसे सारी चीज़ें करना। देखिए जैसे आप लोग गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपनी वेबसाइट को मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूवल में भेजते हैं, तो वहाँ जब अप्रूव कर दिया जाता है तो आपकी वेबसाइट पर एड्स वगैरह आने लगते हैं। सेम तरीका इन्फो लिंक से भी है, वही चीज़ें हैं जो आप लोग इन्फो लिंक पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी वेबसाइट के अप्रूवल में भेजेंगे, वहाँ जब अप्रूव कर दिया जाएगा तो अपनी वेबसाइट में एड्स वगैरह लगाएंगे, तो उससे आपकी अर्निंग होगी। तो सिंपल सा क्या आपको करना है, देखिए यहाँ पे infolink.com आपको सर्च करना है। देखिए ये यहाँ पे है infolink.com, हम नीचे आते हैं, देखिए ये हम सर्च किए थे तो यहाँ पे है। सिंपल सा ये आप जब सर्च करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस टाइप का है, आप लोग देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए ज्वाइन करने के लिए टुडे अर्न मोर मनी यहाँ पे करके है, तो अभी एक तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल के आपसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या देखिए ऊपर भी है ऑप्शन, ऊपर भी मिलेगा आपको, देखिए वेबसाइट साइन अप यहाँ पे, यहाँ से भी आप साइन अप कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, देखिए यहाँ पे भी साइन अप का ऑप्शन है, तो अभी नीचे आपको आना है, कुछ ज़्यादा कुछ आपको इधर उधर नहीं भटकना है, सिंपल सा नीचे आइए। यहाँ पे जैसे कि हम अपनी वेबसाइट को जो अप्रूवल भेजने वाले हैं ATEO.in जो हमारी वेबसाइट है इसको हम भेजने वाले हैं, सिंपल सा हम क्या करेंगे साइन अप विथ ईमेल, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का वो URL डाले हैं जो www.ato.in है, तो www आपको नहीं लगाना, बस ato.in लगा दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना है, तो चलिए हम अपना पूरा नाम डाल लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए इंटर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है, देखिए अमित कुमार हम डाले हैं तो ये अवेलेबल है यहाँ पे बता रहा है, तो सिंपल सा ईमेल एड्रेस डालना है, तो चलिए हम ईमेल एड्रेस डाल लेते हैं, देखिए हम ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल लिए हैं। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, देखिए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अगर अकाउंट ऑलरेडी आपका बना हुआ है तो आप अपना यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड डाल लेते हैं, आपको देखिए सजन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे गूगल पासवर्ड आपको डालना है, तो सिंपल सा ईमेल एड्रेस वाला हम पासवर्ड यहाँ पे डाल लेते हैं, देखिए हम यहाँ पे पासवर्ड भी डाल लिए हैं, सभी चीज़ें डन बन के आ गया है। अब हम क्या करेंगे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, हम ज्वाइन पे क्लिक किए हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आया है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन पे यहाँ पे पब्लिशर सेलेक्ट करना है, सिंपल सा इस पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन होना है, तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाते हैं। देखिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए, हम सिंपल सा क्या करेंगे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक किए हैं, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है पेंडिंग एप्लीकेशन, थैंक फॉर चेकिंग योर एप्लीकेशन बीइंग प्रोसेस्ड, नोटिफाई ईमेल एड्रेस हमको नोटिफाई मतलब बता दिया जाएगा जैसे अप्रूव कर दिया जाएगा। देखिए अभी हमारा पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है, अभी आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, बैक चलना है,
हम फिर से बैक चलते हैं एक बार, देखिए हम दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं और आप लोग को बताते हैं कैसे सारी चीज़ें करना है। देखिए यहाँ पे वेलकम टू अमित कुमार करके आया था, यहाँ पे देखिए इनबिल्ट द कोड मैनुअली, या इस कोड को आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, ये कॉपी एंड पेस्ट द फॉलोइंग कोड राइट बिफोर द यहाँ क्लोजिंग बॉडी, तो जहाँ पे ना बॉडी टैग क्लोज हो रहा है उसके जस्ट पहले आपको ये कोड पेस्ट करना है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप प्लगिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, अपना वर्ड चाहे अब वर्ड प्रेस यूज करते हैं, सिंपल सा इस पर आप क्लिक करेंगे, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपल सा इस पर प्लगिंग डाउनलोड करके आपको जाना है अपने प्लगिंग सेक्शन में। देखिए अपने वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, आप प्लगिंग पे अपना माउस पॉइंटर लाएंगे तो यहाँ पे एक ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है जो इसमें बताया गया है, देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है आपको, उस पर ऐड न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर के साइड में, यहाँ पे ब्राउज का, सिंपल सा आपको क्या करना है ब्राउज पे क्लिक करना है और जो प्लगइन यहाँ से आप डाउनलोड किए रहेंगे वो सिलेक्ट करके आपको क्या करना है इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा, जो यहाँ पे इंस्टॉल ना हो सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर देना है। जैसे एक्टिवेट करने का प्लगइन वगैरह आप लोग देखे होंगे, जब भी आप प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो उसे एक्टिवेट करने के लिए कहा जाता है, तो उसे आपको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। तो इस थ्रू आप कर सकते हैं या तो आप मैनुअली कर सकते हैं, ब्लॉगर में भी वही चीज़ है, ऐड यहाँ पे विड्ज करके है, सिंपल सा इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऐड विड्ज है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे सेव करके आएगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सेव अरेंजमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना जो सेव अरेंजमेंट जो लिखा होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप अपना सेव कर देंगे तो आपका यहाँ पे अप्रूवल के लिए चला जाएगा, ठीक है। अभी हम मैनुअली आप लोग को बता रहे हैं, अभी ब्लॉगर के लिए भी बताएंगे, आप वर्डप्रेस को दोनों चीज़ को बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस के लिए इस कोड को कॉपी करते हैं, चलते हैं अपने थीम एडिटर में, देखिए यहाँ आपको चलना है अपियरेंस में, हम पहले आप लोग को दिखा देते हैं ताकि आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो। अब जब डैशबोर्ड में अपने आएंगे वर्डप्रेस के तो यहाँ पे देखिए अपियरेंस आएगा, अपियरेंस पे अपना माउस पॉइंटर लाना है और जब माउस पॉइंटर लाएंगे तो इसके नीचे एक थीम एडिटर मिलेगा, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये थीम एडिटर खुल जाएगा, सिंपल सा आपको क्या सेलेक्ट करना है फूटर पीएचपी, आपको हेडर पीएचपी नहीं सेलेक्ट करना है, याद रखिएगा फूटर पीएचपी, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है फूटर पीएचपी पे। जब फूटर पीएचपी पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे बॉडी सेक्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे कहा जा रहा था इस कोड में देख लीजिए कॉपी एंड पेस्ट द फॉलोइंग कोड राइट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग एट द एंड ऑफ योर कोड, ठीक है। तो बॉडी जो टैग है इसके जस्ट पहले आप लोग को पेस्ट करना है, एक बॉडी ओपनिंग होता है एक बॉडी क्लोजिंग होता है टैग, ठीक है, तो क्लोजिंग टैग के पहले आपको पेस्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बॉडी क्लोजिंग टैग है इसके पहले हमें पेस्ट करना, सिंपल सा हम यहाँ पे क्लिक करके इंटर दबा के यहाँ पे हम कोड को पेस्ट कर देते हैं। अभी ये कोड कॉपी नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है राइट क्लिक कॉपी अलाक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। देखिए पेस्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सन अपडेट फाइल पे क्लिक कर देना, जैसे अपडेट फाइल पे क्लिक कर देंगे फाइल सेव सक्सेसफुल हो गया है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जब अप्रूवल आपको मिल जाएगा तो आपको ईमेल पे मैसेज आपको मिल जाएगा कि आपका अप्रूव कर दिया गया है, अगर अप्रूव नहीं किया जाएगा रिजेक्ट कर दिया जाएगा तब भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए अब आपको ब्लॉगर पे बताते हैं कैसे सारी चीज़ें करना है, सिंपल सा आपको करना है इसी कोड को कॉपी करना है और चलना है अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में, लॉगिन आपको हो जाना है, चलना आपको थीम में जाएंगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ एडिट एचटीएमएल मिलेगा, एडिट एचटीएमएल मिलेगा, सिंपल था एडिट एचटीएमएल पे आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना। नीचे अभी आएंगे सबसे नीचे, देखिए सबसे नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज मिलेगा, सिंपल सा यहाँ पे आप बॉडी के जस्ट पहले यहाँ पे क्लिक करिएगा, इंटर दबाइएगा दो तीन बार और यहाँ बीच में यही कोड लाके पेस्ट कर दीजिएगा इस तरीके से। देखिए ये कोड यहाँ पे पेस्ट हो गया, अब आपको करना क्या है, सिंपल सा सेव पिन क्लिक कर देना, तो अभी हमको सेव नहीं करना है, आपको सेव पे बस क्लिक करके छोड़ देना है तो रिव्यू में चला जाएगा, जब इन्फो लिंक की तरफ से आपका अप्रूव कर दिया जाएगा तो आपको ईमेल पे मैसेज आ जाएगा। तो अभी हमको क्योंकि हम वर्डप्रेस में अपना अप्लाई कर दिए तो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल सा हम इसे यहाँ से कैंसिल करते हैं। देखिए इसमें दो ऑप्शन दिया था वेट्स के थ्रू, तो सिंपल सा ऐड वेट्स पे आप क्लिक करते हैं तब भी ये चीज़ें आपका हो जाता, सिंपल सा उस पर हम देखिए क्लिक किए हैं, देखिए इंपोर्ट पेज, सिंपल सा देखिए अमित टेक इंजीनियरिंग, यहाँ पे टाइटल आप दे सकते हैं कोई भी, यहाँ पे इन्फो लिंक दे सकते हैं, इन्फो लिंक दे सकते हैं, उसके बाद ऐड विजिट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं जो प्रोसेस बताया गया था, ठीक है,
तो इस लॉगिन हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे इन्फो पब्लिशर के तरफ से एक मैसेज आया, इस पे हम क्लिक किए। देखिए यहाँ पे लिख रहा है इन्फो पब्लिशर प्रोग्राम, देखिए वेलकम करके आ रहा है। अभी देखिए अप्रूव के लिए रिव्यू में हमारा गया है रिव्यूड। देखिए योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड एंड क्विकली बीइंग रिव्यूड, ये कंफर्म ईमेल विल बी सेंड शॉर्टली। तो हमें मैसेज आएगा जब हमारा अप्रूव्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, इन्फो लिंक के तरफ से। तो ये अभी रिव्यू में गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं इन्फो लिंक के तरफ से कंग्रेचुलेसन अमित, यहाँ पे लिख कर आया योर इन्फो लिंक अकाउंट साइट डब्ल्यू यहाँ पे ATO.in हैज बीन अप्रूव्ड, हमारा कर दिया गया है। तो चलिए हम आप लोग को इन्फो लिंक पे हम लॉगिन करके आप लोगों को दिखलाते हैं। सिंपल सा यहाँ पे हम इन्फो लिंक यहाँ पे टाइप करेंगे, इन्फो लिंक है। जैसे हम इसे सर्च करेंगे, देखिए इन्फो लिंक यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लॉगिन पे पब्लिशर है, सिंपल सा इस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी है और यहाँ पे पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन पे सिंपल सा क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाले, अब हम क्या करते हैं लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे हम इस पर क्लिक किए हैं, यहाँ पे हम दिखला दें आप लोग को अपना अकाउंट, अकाउंट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी वेबसाइट कितना हमारी अर्निंग वगैरह होगा, यहाँ पे वो चीज़ें शो होगा। उसका देखिए यहाँ पे ने रेफरल कोड एड यहाँ पे .txt करके होगा, यहाँ पे ये आपको txt ऐड करना होगा। यहाँ पे सारा प्रोसेस आप लोग को बताया गया है, यहाँ पे उसका आप देख सकते हैं कैसे आप लोग को ऐड करना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कैसे ऐड करना है। यहाँ पे देखिए कस्टमाइजेशन करके है, कस्टमाइजेशन में आप किस टाइप का एड्स लगाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे इन टेक्स्ट ऐड है, देखिए इसमें हम इन टेक्स्ट ऐड यहाँ पे लगाएं तो इस तरीके से कुछ ऐड दिखलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इन फोल्डर ऐड है, इस पर क्लिक करेंगे। ये अगर आप ऐड लगाते हैं नीचे इस तरह जैसे गूगल एडसेंस वगैरह आता है उस तरीके का इस ये एड्स होगा, ठीक है। और सिंपल आपको क्या करना रहेगा, टर्न यहाँ पे जैसे जिस वेबसाइट, कई वेबसाइट आप अप्रूवल लिए होंगे तो सारी वेबसाइट से होगा, जिसमें आप शो कराना चाहते हैं उस पर इसे चेक करिएगा और उसके बाद सेव पे आपको क्लिक कर देना है तो वो एड्स ऑटोमेटिक लग जाएंगे। उसका देखिए यहाँ पे इन टैग ऐड है, ये टैग ऐड जैसे कि ऊपर आपके शो होता है, मतलब नीचे जहाँ पे आप लगा देंगे इस तरीके से वो टैग ऐड शो होगा, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे इन फ्रेम ऐड है, तो यहाँ पे इन फ्रेम ऐड शो होगा, दोनों साइड से ऐड जो आते हैं वो जो भी एड्स लगाने होंगे सिंपल सा इस पर आप क्लिक, इसको ऑन पे क्लिक करिएगा, अप्लाई पे सेव पे क्लिक करिएगा। अगर सभी वेबसाइट जितनी वेबसाइट है सब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इन आर्टिकल है, तो इन आर्टिकल ऐड लगाएंगे तो आपका आर्टिकल के अंदर ये एड्स शो होंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे डेमो दिखला रहा है कि देखिए ये आर्टिकल आ रहा है, तो बीच में कोई आर्टिकल पड़ेगा तो अभी हम आप लोग को दिखलाते हैं। देखिए यहाँ पे ये एड्स शो होंगे, तो इस तरीके का ये इन आर्टिकल एड्स होगा। तो इसमें से जो चाहें आप वो एड्स लगा सकते हैं। अब जितने एड्स लगाएंगे वो यहाँ पे देखिए हम 50% से नीचे एड्स लगाए हैं तो हमारा इतना शो हो रहा है। इस पर आप क्लिक करके अपना रिपोर्ट देख सकते हैं कितनी आपकी अर्निंग हुई है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि कितनी अर्निंग है, बहुत कम अर्निंग होती है, एक तरह से कहें तो ना के बराबर अर्निंग होती है। देखिए टोटल $0.1 हुआ है, तो इतना तो बहुत काफ़ी दिन हो जाएंगे, बहुत ना मात्रा मतलब एक तरह से कहें कि अर्निंग होती है। तो बाकी आप लोग अगर इस पर अप्रूवल लेना चाहते हैं तो हमने पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे आप लोग को अप्लाई करना है। तो मैंने पूरा प्रोसेस आप लोग को बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।